नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूं एक और अच्छी सी वीडियो। ये आज हमारा क्वेश्चन है संघवाद, जो प्लस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लास में आता है और बीए के अंदर आता है। संघवाद, इसका क्या अर्थ है, क्या विशेषताएं हैं, किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये नोट्स मैंने बनाए हैं। तो मेरी वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरे इस ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं हम वीडियो दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन है संघात्मक सरकार का क्या अर्थ है, कि संघात्मक सरकार एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है तथा जिसमें दोहरी सरकारें स्थापित की जाती है और उनकी शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। संघ, जिसे अंग्रेजी में फेडरेशन अथवा फेडरल कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के एक शब्द फोर्ड से बना है और जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। इस प्रकार संघ सरकार कुछ राज्य का एक ऐसा स्थायी संगठन है जिसकी स्थापना समझौते के आधार पर की जाती है, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य कुछ सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक केंद्रीय सरकार संगठित करते हैं तथा शेष उद्देश्य की पूर्ति वे स्वयं करते हैं, तो एक संघात्मक शासन की स्थापना की जाती है। भारतीय संविधान के संघात्मक की विशेषताएं, तत्व या लक्षण, जो भी तीनों में से कोई पूछे, आंसर यही लिखना है। इसका नंबर एक, लिखित संविधान, कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। इसके बाद संविधान की कठोरता, कि भारत का संविधान एक कठोर संविधान है लेकिन संशोधन के द्वारा, नेक्स्ट पेज चलते हैं दोस्तों, इसे बदला जा सकता है, जो कि इतना सरल नहीं है। इसे बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत के अतिरिक्त आधे राज्यों की स्वीकृति लेना भी जरूरी है। तीसरा पॉइंट आता है संविधान की सर्वोच्चता, कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। यदि संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाता है जिससे संविधान का उल्लंघन होता है, तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। नेक्स्ट है इसके बाद चौथा पॉइंट दोस्तों, शक्तियों का विभाजन, कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इन शक्तियों का तीन सूचियों में विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। पहले ये कम थे जिस समय हमारा संविधान बना था, लेकिन आज वर्तमान में ये बढ़ गए हैं। इसके बाद आता है पाँचवा, दोहरी शासन प्रणाली, कि भारत में दोहरी शासन प्रणाली अपनाई गई है। केंद्र तथा राज्य की अलग अलग सरकारें हैं, दोनों को शासन की शक्तियां संविधान ने दी है। आज वर्तमान भारत में 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग कार्य करते हैं। अब आता है दो सदनीय विधानमंडल, कि संघ शासन में दो सदनीय विधानमंडल होता है। भारत में लोकसभा सारे देश का तथा राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यह व्यवस्था इसलिए है ताकि केंद्र सरकार राज्यों के हितों को नुकसान न पहुंचा सके। सातवां पॉइंट है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, कि भारत में न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। केंद्र और राज्य के बीच झगड़ों का निपटारा न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है और इसका निर्णय अंतिम होता है। आठवां, अब सात पॉइंट
संघात्मक सरकार की विशेषता लक्षण तत्व खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं संविधान में एकात्मक तत्व लक्षण या विशेषताएं। नंबर एक, इकहरी नागरिकता कि संघीय शासन प्रणाली वाले देशों में प्रायः दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। वह अमेरिका के साथ साथ उस राज्य का भी नागरिक है जहां वो रहता है। भारत में दोहरी नागरिकता का अभाव है। संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को एक ही नागरिकता प्रदान की गई है जो एकात्मक सरकार का लक्षण है, यानी भारत सिर्फ भारत का ही नागरिक है, जो भारत के अंदर नागरिक रहते हैं अकेले भारत के नागरिक हैं। अब आते हैं सेकंड कि केंद्र और राज्य के लिए एक संविधान कि संघ शासन वाले राज्यों में संघ की इकाइयों को अलग अलग संविधान बनाने का अधिकार होता है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, अन्य संघीय देशों में यही तरीका अपनाया गया है, लेकिन भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष पूरे देश में एक ही संविधान है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है राज्यों में राष्ट्रपति शासन कि राष्ट्रपति राज्यपाल के सुझाव अथवा समय निर्णय करके किसी भी राज्य में वहाँ की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और शासन की सारी शक्तियाँ केंद्र के पास आ जाती है। चौथा पॉइंट है दोस्तों शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में कि शक्तियों का विभाजन भी केंद्र के पक्ष में होता है। राज्य सूची हो या समवर्ती सूची दोनों भी सवर विवाद के दौरान कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को है। नेक्स्ट है पाँचवा पॉइंट राज्यपालों की नियुक्ति कि भारतीय संघ के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजता है। किसी भी राज्यपाल को उसकी 5 वर्ष की अवधि से पहले हटा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेता है, परंतु उसे मानना जरूरी नहीं है। इस प्रकार राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राज्य के प्रति नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यह संघात्मक गुणों के विपरीत है। छठा पॉइंट है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास कि संघ शासन में अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास होती है, लेकिन भारत में अवशिष्ट शक्तियां पर कानून बनाने का अधिकार संसद का है, राज्यों का नहीं। नेक्स्ट पेज है आखिरी पॉइंट है दोस्तों सातवां कि वित्तीय मामलों में राज्य केंद्र पर आश्रित कि केंद्र की अपेक्षा राज्य सरकारों की आय के साधन बहुत कम हैं, इसलिए राज्य को अपनी वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। तो दोस्तों ये संघवाद जो हमारा लेसन था यहीं ख़त्म होता है। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।